बिग बॉस के घर से और भी लोगों का गाना आ रहा है, अभिषेक और जी हाँ, का भी गाना मैंने देखा, आ रहा है। मैंने देखा। तो क्या कहना चाहोगे इस बारे में? मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होगा और लोगों को पसंद भी आएगा, क्योंकि उनकी जोड़ी तो ऑलरेडी बिग बॉस के घर में भी हिट हो गई, तो मुझे लगता है काफी इंटरेस्टिंग होगा। कैसा रहेगा सॉन्ग? रोमांटिक आपको क्या? रोमांटिक ही रहेगा, वो लोग साथ में कितने प्यारे दिखते हैं, ऑफ कोर्स एक रोमांटिक सॉन्ग ही होगा। अच्छा, एल्विश का भी गाना आ सकता है, तो आप क्या कहना चाहोगे इसमें? मनीषा के साथ तो क्या कैसी लगेगी जोड़ी उनकी आपको? प्यारी लगेगी, क्योंकि उन्होंने फिनाले में भी साथ में परफॉर्म किया था, एंड दे आर वेरी फनी टुगेदर, तो आई एम एक्साइटेड टू सी। सब अपनी अपनी जगह कुछ ना कुछ एक्साइटिंग करते जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है देख कर। अच्छा, मनीषा का भी गाना आ रहा है टोनी कक्कर के साथ, हाँ हाँ मैंने सुना, उस बारे में क्या कहना चाहोगे? साथ में वो लोग बहुत प्यारे लग रहे थे जब वो कॉन्सर्ट हुआ था बिग बॉस के घर में, तो मैंने मनीषा को कहा भी था कि बहुत जचते हो तुम लोग साथ में टोनी और मनीषा, तो मुझे वो भी देखना है, मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ उसके लिए। उनका एक ट्रेंडिंग भी चला था हैशटैग मैंने देखा, प्यारे लगते हैं यार साथ में, आप देखिए ना साथ खड़े रहते तो कितने प्यारे लगते हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग आ रहा है, तो एक्साइटेड। बिग बॉस OTT2 से मशहूर हुई बेबिका धुर्वे को हाल ही में पेपराजी ने अपने कैमरे में कैद किया, जहां बेबिका मीडिया के कई सारे सवालों का जवाब देती हुई नजर आई। उन्होंने अपनी और पूजा भट्ट की भी मुलाकात का जिक्र किया और बताया कि उन्हें उनसे मिलकर कितना अच्छा लगा। वहीं बेबिका ने यह भी बताया कि वो यहां अपने आने वाली सॉन्ग बोटी बोटी की रिकॉर्डिंग के लिए आई हुई है। ठीक है, तो इसके लिए मैं और आप सब काफ़ी टाइम से एक्साइटेड थे द बोटी बोटी सॉन्ग, और ये खुद मैं गाने वाली हूँ, इट्स माय फर्स्ट एवर सॉन्ग, मेरी जिंदगी का पहला गाना है जो मैं खुद गा रही हूँ, और बेस्ट ऑफ लक। मेरे अपकमिंग आप लोगों को बोटी बोटी सुनना है? थोड़ा नीचे आइए। This is the lead on. Let's see.